बंगाल की खाड़ी में उठा हुदहुद तूफान केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों से हार गया। 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तबाही मचाने पहुंचे हुदहुद तूफान ने तबाही तो बहुत मचाई, लेकिन वक्त रहते की गई तैयारियों की वजह से जानमाल का भारी नुकसान नहीं हुआ। केंद्र, आंध्र और ओडिशा की सरकारों ने वक्त रहते लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से हुदहुद तूफान उतनी बड़ी तबाही नहीं मचा पाया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हालांकि आंध्र और ओडिशा को कुछ शहरों में हुदहुद ने भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फोन कर उनसे हालात की जानकारी ली। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हालात बेहद वहां पर गंभीर है और हुदहुद की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की। ताजा जानकारी के मुताबिक हुदहुद की वजह से आंध्र प्रदेश में 5 और ओडिशा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। विशाखापट्टनम में 3, श्रीकाकुलम में और विजयनगरम में 1-1 शख्स की तूफान की वजह से मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और वहीं अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। विशाखापट्टनम में भी काफी नुकसान हुआ है, सड़कों को, मकानों को, हजारों पेड़ वहां पर टूट गए हैं। बिजली और संचार व्यवस्था तूफान के आने के बाद उसको भी भारी नुकसान हुआ है। सड़क, रेल, हवाई यातायात पर भी तूफान का बुरा असर पड़ा है। विशाखापट्टनम रूट की 50 ट्रेन रद्द कर दी गई है, 50 से ज्यादा ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई है। विशाखापट्टनम में आज भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और हम आपको दिखा रहे हैं 6 शहरों की तस्वीरें हैं। पहली 3 तस्वीरें विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और भुवनेश्वर की है। ये वो इलाके हैं जो हुदहुद का कहर झेल चुके हैं। इन इलाकों में हुदहुद ने चमकर तबाही मचाई है, जबकि बाकी जो 3 तस्वीरें हैं उन इलाकों की है जहां आज हुदहुद का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग का कहना है कि आज हुदहुद के असर से झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और हुदहुद तूफान ने विशाखापट्टनम में जमकर कहर बरपाया है। हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना ने उस होटल का जायजा लिया जिसमें वो ठहरी हुई है। मेरे ठीक पीछे बीच पैराडाइज होटल है, यही वो होटल है जहाँ पर हम लोग ठहरे थे। बाहर से देखने में आपको ये बेहद ही शानदार होटल दिखाई देगा और अभी भी साइक्लोन के बाद भी आपको इसकी स्थिति अच्छी दिखाई देगी, लेकिन हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और जब अंदर आप इस होटल का नजारा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि तबाही किस कदर थी। कमरे की हालत साफ बयान कर रही है कि तबाही किस कदर हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इस होटल में जितने भी शीशे लगे थे वो टूटकर नीचे गिर गए। यहाँ पर जो फॉल सीलिंग लगाई जाती है, जो रूफ थी वो पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है। कई जगहों पर दीवारों पर भी क्रैक्स आ गए हैं। तो विंड स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर आप देखेंगे तो दीवार तक पे क्रैक्स आए हैं, शीशे पूरे टूट गए हैं। तेज हवाएं, तेज आंधी चल रही थी कि जो कुछ उसके रास्ते पे आया सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अगर इसी तरह आप देखेंगे तो होटल में हर एक कमरे का कुछ ऐसा ही नजारा है, हर जगह यही हालत है। यहाँ पर भी जो विंडो थी वो पूरी उड़कर ही बाहर की तरफ चली गई, चक्रवाती तूफान ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीढ़ियों पर भी आपको फॉल्स सीलिंग गिरी हुई नजर आ जाएगी, चाहे वो मेन कॉरिडोर हो। मेन कॉरिडोर का भी नजारा कुछ ऐसा ही है। पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे तो तारे खुली हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर भी जितनी भी फॉल सीलिंग थी वो भी पूरी तरह नीचे गिर गई है और सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस होटल में इतनी तेज आंधी, इतनी तेज तूफान चला कि जो भी, चाहे वो पक्का मकान ही क्यों ना हो, वो भी उसकी चपेट में आ गया।